नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मोकामा में टक्कर काटे की है। एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी ओर ललन सिंह। सूरजभान सिंह जो अनंत सिंह पर कभी बोला नहीं करते थे, आज अनंत सिंह के खिलाफ खूब आवाज बुलंद किया है। मुंगेर लोकसभा को प्रचंड बहुमत से भी जीतने की कही है और पिछले कुछ चुनावों के भी आंकड़े गिनाए हैं। सूरजभान सिंह ने हमारे सहयोगी रविशंकर से बात करते हुए और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो मुंगेर में अभी आपकी क्या स्थिति है? आपने संकल्प किया था कि आप तीनों लोकसभा जीतेंगे, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। तो अभी मुंगेर में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? मुंगेर में मेरी वर्तमान स्थिति आप ये बता सकते हैं कि भारत वर्ष में लड़ाई है कोई सामने में? अब मुंगेर की सवाल रह गई, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, दोनों ने ये तय करके जिसे कहे थे कि 40 में 40 सीट देंगे बिहार से, और ये 40 में 40 जा रही है। मेरी स्थिति मुंगेर में यही है कि बिहार में सभी तीनों सीट नहीं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मुंगेर में 40 सीट में सबसे ज़्यादा मार्जिन से मेरा मुंगेर ही रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है और आखिरी, अनंत सिंह जो दावे कर रहे हैं कि सबकी जमानत ही जब्त करा देंगे, उनके दावे का धरातल पर कितना सच्चाई आपको दिखता है? आप नहीं जानते हैं अनंत सिंह के हैं नहीं हैं, कहाँ ठरी हैं, कौन ठरी है, इससे हमको कोई काम नहीं है। मैंने आपको कहे न कि UPA गठबंधन के उम्मीदवार रामबदन राय जी 2009 में हुए, उनको 189,000 वोट आई जी। और 2014 में UPA का उम्मीदवार मेहता जी हुए, 185,000 आए जी। और 2014 में 243,000 जिससे कि ललन बाबू को वोट आया, और बीना देवी यहाँ से जिससे जो जीती उनको 352,000 आया, तो 600,000 हो गया। अब 50,000 वोट से तीर में चला गया 650,000। पूरे बिहार में NDA का इतनी पोलिंग कैपेसिटी किसी सीट के नहीं है, और उसके बाद तो मोदी जी देश विकास पुरुष पूरे दुनिया मानती है, और आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी हैं, उनकी विकास मॉडल तो देख रहे हैं कि 1990 से 2005 किस स्थिति में बिहार थी, और 2005 से 2019 किस स्थिति में बिहार है, आपको नहीं बुझा रहा है? मतलब अनंत सिंह का दबा हवा कौन है जिसे कि हम जानबे नहीं करते हैं, जिसे अति करने का वोट किसको कहता है, राजनीति किसको कहता है, जिसको ये ज्ञान नहीं है उसके बारे में हमसे क्यों पूछते हैं आप? आप ये देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास, आप यहाँ जिस जगह पर बैठे हुए हैं, एगो पुल था, तीन गो पुल, दो गो पुल में हाथ लगा हुआ है ना, चार गो फोर लाइन ही मोकामा में चार गो लाके मिलाया जा रहा है, गया से मोकामा धोबी से बख्तियारपुर तक आया हुआ था, बख्तियारपुर टू मोकामा टू खगड़िया। सर मेरा आपको लगता है जो देशद्रोह के हटाने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाई है उसका असर वोटरों पर पड़ेगा? वोटरों पर जैसे रोज देखता था कि कहीं बम ब्लास्ट, कहियो दिल्ली में, कहियो बम्बई में, कहियो बंगलोर में, कहियो हैदराबाद में हो रहा है, क्या मोदी जी के जमाने में देखे ना दो बार जैसे किए ना, एक बार उड़ी हमला हुआ तो मेरे सेना हेल के कहा तुमको नस्लाबूद कर देगा, फिर पुलवामा हमला देखे तो देखे ना कि कह के सचेत और तहस नहस कर दिया पूरे। और ये सामने जो है इनके दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे सबूत मांगते हैं, अरे पागल का इनका जिसे करने का सबूत पूरे दुनिया सबूत देख रहा है कि हाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों का ठिकाना का नाश कर दिया। मतलब आज भी आपका दावा है कि आप 400 सीटें जीत रहे हो? 400 सीट में सबसे ज्यादा जीतेंगे मुंगेर, 400,000 वोट से जीतेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। धन्यवाद। तो पूरे कॉन्फिडेंस में है सूरजभान सिंह, सीधा सीधा अनंत सिंह को चैलेंज किया है, तमाम चीजें चुनाव से जुड़ी हुई उनके सामने रखी हैं, टारगेट किया है और ललन सिंह के जीत का दावा कर रहे हैं, मुंगेर में ही नहीं बल्कि नवादा और बेगूसराय में भी। फाइनल आदेश तो जनता का ही होता है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।